हाँ जी, सब नु सत श्री अकाल जी। मैं हाँ प्रभजोत सिंह, तुसी देख रहे हो वेस्टमिंस्टर चैनल। आज जो असी यूके जिहड़ी यूनिवर्सिटीज ने उन्हां उत्ते गल करनी हन कि कीवें उन्हां दे इंटरव्यूज आ रहे ने ते किहड़ा इनटेक्स चल रहा है, ते इंटरव्यू दा जिहड़ा साडा रिसेंट एक्सपीरियंस है उहदे उत्ते भी गल करांगे कि कड़े क्वेश्चन्स वगैरह किए जा रहे हैं, तो शोर्ट टर्म जो यूके का स्टडी वीज़ा चल रहा है जो प्रमोट किया जा रहा है वो बारे भी गल करांगे। फर्स्टली असं गल करते हाँ कि जेडे अज के टाइम में यूनिवर्सिटीज़ वालों इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन की आ रहे हैं, चाहे BPP यूनिवर्सिटी है चाहे होर कोई यूनिवर्सिटीज़ ने, उन्होंने वालों जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन वगैरह किए जा रहे हैं कई बार तो कन्वर्सेशन ही कर रहे हैं जेडे हूँ मोस्टली वेख्या जा रहा है कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पता लग गया कि इन्होंने रट्टे ऑफकेशन की हुई हैं, इन्होंने क्वेश्चन के आंसरस याद किए हुए हैं, तो उदे करके फिर हूँ उन्होंने कन्वर्सेशन करनी स्टार्ट कर दी है, थोड़े तो गलबात करते हैं नॉर्मली टॉक करते हैं, तो थोड़ा उतों ही इंग्लिश लैवल का टैसट करते हैं। फिर उस तो बाद फिर वोडे तो जो स्टडी तो रिलेटिड ने फर्स्टली उन्हें तो ही गल कर लेंगे, यानी कि उन्होंने 5-6 क्वेश्चन पूछ के फिर उस तो बाद नॉर्मली जनरली अगे फिर चलना स्टार्ट कर देंगे, थोड़े नाल कम्यूनीकेट करना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड थोड़े बारे गल करनी स्टार्ट कर देंगे, या तुम पहले कितने ट्रैवल किया है, लास्ट टाइम कितने किया, करना अगर ट्रैवल में या अगे की करो, कुछ भी वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कन्वर्सेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो साढ़े इंटरव्यूज भी हुए ने उन्होंने भी उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स तो कन्वर्सेशन ही कीतिया हैं, उन्होंने जोड़े स्टूडेंट्स जिन्होंने आयल्स की हुई सी जिन्होंने विदाउट आयल्स जिन्होंने अपने प्रोपरली आंसर कर दिते उन्होंने सैटिस्फाई कर दिता, उन्होंने रिवर्ट कर दिते तो उन्होंने पॉजिटिव आंसरस आए ने, मेनली सब दे पॉजिटिव आए ने, बट यह उन्होंने है जेडे रटाफिकेशन कर रहे हैं जेडे क्वेश्चन के आंसर याद कर रहे हैं, सो वह भी करो, अपनी स्टडी बारे भी पता होना चाहिए, बट ए वे कि तुम कन्वर्सेशन लिए भी तैयार रहो, तो कन्वर्सेशन भी हो सकती हैं। तो सैकेंडली जोड़ा अज के टाइम में प्रमोट किया जा रहा है बहुत, तुम एड्स वगैरह फेसबुक इंस्टा या यूट्यूब्स वगैरह पर वेख रहे हो कि यूके का शोर्ट टर्म स्टडी वीज़ा जिदे चल रहा है, जिद उत्ते बहुत सारी एडवर्टीजमेंट तुम डेली रूटीन में देखते हो, वो बारे भी तुम्हें कुछ रिजल्ट्स बारे दसना है, क्योंकि यदा रिजल्ट ना दे बराबर ही होंगे है, क्योंकि कई वालों यह प्रमोट किया जा रहा है कि जस्ट रिसेंट ओपन होया है कर लो अपलाई, वीज़ा आ जाएगा विदाउट कैश विदाउट इंटरव्यू विदाउट फंड्स वगैरह, इदा का कुछ नहीं है, है गया कि तुसी अपना विदाउट फंड्स यानी कि विदाउट कैश लैटर या विदाउट आयल्स तुसी कर सकते हो अपलाई, बट यह बहुत पहले तो चल रहा है, पहले चल रहा है या फिर बिच बंद कर दिता सी, क्योंकि इस चीज़ का वीज़ा रेशो ना दे बराबर ही है, इस दे विच जो वीज़ा का रेशो है तुसी यह लगा के चलो 5-10% के बिच ही है, अगर जिन्हें बहुत प्रोफाइल साउंड है, क्योंकि तुसी आज के टाइम वेख सकते हो कि यूके जिन्होंने अपने लोंग टर्म स्टडी ले जा रहे हैं उन्होंने वीज़ा इशू किए जा रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश प्रोपर आती है उन्होंने वीज़ा इशू किए जा रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, सो तुसी अपना आप सोच सकते हो कि जेडे प्रमोट कर रहे हैं कि इन्हें वीज़ा सक्सैस रेशो किन्ना होएगा, वह कि थोड़े लिए बेनीफिशियल होएगा, 6 महीने का शोर्ट टर्म वीज़ा है ये जो थोड़ा काइंड ऑफ तुम कह सकते टूरिस्ट वीज़ा ही होएगा अगर थोड़ा इनकेस लग भी जाए, क्योंकि 6 महीने का ही वीज़ा मिलता है ये, बट यह वे कि ये जो वीज़ा सक्सैस रेशो है बहुत घट है, सो इदा अपना शोर्ट टर्म से अपलाई करके, क्योंकि यह SX1 नाम की कैटेगरी कैनेडा भी ओपन हैगी है सेम ही कि फाउंडेशन कोर्स या इंग्लिश कोर्सिज वगैरह इवें ही इनू भी प्रमोट किया गया सी ते किता भी जा रहा है, बट दोवां दा वीज़ा रेशो सेम है, तुम ना दे बराबर ही लैके चलो, अगर थोड़ी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा साउंड है कि तुम फाइनैशली बहुत ज़्यादा साउंड हो तुम मुड़ के आओगे ये सब कुछ तो वीज़ा इशू हो सकता है, बट वो भी चांस लैन की गल है, तुम रिस्क लै सकते हो, अगर तुम अपनी प्रोफाइल से रिस्क लै सकते हो तो अप्लाई कर लियो। सो अज लई इन्ना ही सी, नैक्सट वीडियो बहुत जल्द मिलांगे नवी अपडेट नाल, तद तक लई धन्नवाद, रब राखा।